ओह शिट, मेरे पति का वीडियो कॉल आ रहा है। अब क्या करें? रुको, छोड़ मिल गया। भैया ये देना मुझे। अरे मैडम ये क्या कर रही हो? अरे तू चुप कर। अरे इसे क्यों बिछा रही हो मैडम? अरे रुक ना, तू चुपचाप रहे। अरे आप ये क्या कर रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बताती हूँ तुझे। हाय बेबी। हाय बेबी। इतना टाइम क्यों लगा दिया कॉल उठाने में? अरे ना वो एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं सो रही थी। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आराम कर लो। पर रुको, ये बेडशीट तो हमारी नहीं है। अरे ना वो मैंने आज ही चेंज की है, गंदी हो गई थी ना। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, शाम को मिलते हैं। ठीक है बेबी, बाय। ये ले पकड़, चल। अरे ये क्या हो रहा है मैम, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू ना अपने काम से मतलब रख, ज्यादा बकवास ना कर, चलो बेबी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है, कैसा जमाना आ गया है। पत्नी अपने पति को धोखा दे रही है और बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है इधर। क्या होगा इस संसार का और ऐसे लोगों का। शिखा। हाँ क्या हुआ? ये लो पेपर और साइन कर दो इन पर। किसके पेपर है ये? ये ना हमारे डिवोर्स के पेपर है। क्या डिवोर्स पेपर? तुम पागल हो क्या? हाँ पागल हो गया हूँ। तुम ना मुझे पागल बनाते आ रही हो और ये सारी चीजें मुझे अब पता चली है। कैसी चीजें और क्या पता चल गया? देखो ज्यादा भोली मत बनो, जैसा मैंने बोला है वही करो, चुपचाप इन डिवोर्स के पेपर पे साइन करो। तुम ना बकवास बंद करो, हमारे बीच में से कुछ नहीं हुआ जो तुम आते मुझे डिवोर्स मांग रहे हो। मजाक बंद करो है ना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ और ना ही कोई बकवास कर रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ होश में आवाज में बोल रहा हूँ। जो तुमने सुबह ड्रामा किया था ना रोड पे, जिसका गद्दा और तकिया लेकर वो मेरे ऑफिस में नौकर है, उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया। अरे रामू तुझे पता है गेस्ट कब से वेट कर रहे हैं और तू इतना लेट हो गया? सॉरी सर मैं आ ही रहा था लेकिन रास्ते में एक लड़की मिल गई और मुझसे ये सब छीन के रास्ते में ही बिछा लिया सर, और अपने पति से वीडियो कॉल पे बात करने लगी और बोल रही थी कि मैं घर पर ही हूँ। और हाँ सर, जबकि वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी सर। कैसा जमाना आ गया सर। एक काम कर, तू जा जल्दी और इसे अंदर डाल दे। ठीक है सर। एक मिनट रुक, तकिया इधर दे। ये ले पकड़। जो उस लड़की की शक्ल याद है? हाँ सर पहचानता हूँ। जरा देखना क्या ये वही लड़की है। अरे हाँ सर ये तो वही लड़की थी, पर आपके मोबाइल में इसका फोटो कैसा सर? कुछ नहीं, तू जा अपना काम कर। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, क्या कमी छोड़ दी मैंने तुम्हारे लिए, सब कुछ तो किया था। और हाँ तुम्हें पता है मैंने उसे बताया तक नहीं कि तुम मेरी बीवी हो। शर्म आती है मुझे ये बताने में कि तुम मेरी बीवी हो, पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो अपने यार के हाथ में हाथ डालकर बाजार में घूम रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शादीशुदा होकर भी ऐसे काम करती हो। देखो जाने अनजाने मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए तुम पर, इस डिवोर्स पेपर पे साइन करो और निकलो यहाँ से। देखो ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। और रही बात उसकी, तो मैं उसको अभी कभी छोड़ देती हूँ। बस करो शिखा, ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि तुम किसी की बीवी हो। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ जाओगी। ये लो साइन करो और निकलो यहाँ से। पर सुना नहीं तुमने, साइन करो और निकलो यहाँ से। निकलो अब यहाँ से।